म्यूजिक और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में 77 लाख रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है। इस घोटाले को अंजाम देने में जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने अपना तिगड़मी दिमाग इस्तेमाल कर विभाग के बीएसआर की गली से किया ये खेल। इस पर पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट, देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र जोधपुर के तत्कालीन अधिशासी अभियंता रिनेश सिंघवी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत करवाए गए 13 निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रियाओं में जोधपुर जिला ग्रामीण और जिला परिषद की बीएसआर का सहारा लेकर 77 लाख रुपए का घोटाला कर राजकोष को चूना लगा दिया। इस मामले को लेकर इलाके के दबंग नेता शैतान सिंह सांखला ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर 18 मई 2016 को इसकी शिकायत भी की है, जिसकी राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तर पर जांच करने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया गया। लेकिन जल संसाधन विभाग जोधपुर के अधीक्षण अधिशासी अभियंता के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के 13 निर्माण कार्य में बीएसआर का सहारा लेकर जो घपला किया गया, उसकी निविदा प्रक्रिया में जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ को लेकर घोटाला करने का जो प्रयास किया गया, उसके निरीक्षण जांच कर जांच प्रतिवेदन को अधीक्षण अभियंता द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन जोधपुर को भेजा गया। और तो और स्वयं अतिरिक्त मुख्य अभियंता जोधपुर ने जांच प्रतिवेदन को न्याय संगत मानते हुए तत्कालीन अधिशासी अभियंता को दोषी माना और मुख्य अभियंता को राजकीय सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए अपनी ओर से अभिशंसा भी की। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता राजस्थान जयपुर के द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए अपने यूओ नोट, जिसको 7/9/2018 को जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक विभाग को भेजा गया, जिसमें मुख्य अभियंता ने स्पष्ट तौर पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो 13 निर्माण कार्य करवाए गए थे, जो कि 77 लाख के वित्तीय निमित्ता भी की गई थी, उसमें पूर्ण रूप से दोषी मानते हुए राजकीय सेवा नियमों के अंतर्गत उन्हें तत्काल 16 CCA के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक विभाग को लिखा गया। मगर भ्रष्ट अधिशासी अभियंता की जांच को प्रशासनिक विभाग ने अपने प्रभाव से संपूर्ण जांच प्रतिवेदन को रुकवा दिया। उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर इलाके के दबंग नेता शैतान सिंह सांखला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिस तरह से 77 लाख रुपए का घपला हुआ है, तो ये माना जाए कि राजस्थान में कितने घपले जल स्वावलंबन को लेकर हुए होंगे। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो बेसिक शेड्यूल दर यानी कि बीएसआर, जो कि मैकेनिकल तौर पर बनाई हुई है, बीएसआर WRD के काम के लिए बनाई गई है, लेकिन इसे WRD के काम में ना लेकर इस अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए इसका दुरुपयोग किया, फिर भी इस अधिकारी को बचाया जा रहा है। वहीं कई जनप्रतिनिधियों से इस मामले को विधानसभा में उठाने का आग्रह भी किया गया, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसको लेकर सांखला ने मजबूरन 3 जुलाई 2019 को विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे आग्रह किया गया कि आप इस पूरे प्रकरण को निजी तौर पर सुने और अपने स्वयं विवेक से प्रसंग ज्ञान लें और विधानसभा में इस प्रकरण को उठाएं, जिससे दोषी अधिकारियों को दंडित किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव से अनुरोध किया कि इस मामले को तुरंत निपटाया जाए। उन्होंने इस मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने की भी बात कही है। जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक विभाग को भेजा गया, जिसमे मुख्य अभियंता ने स्पष्ट तौर पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो 13 कार्य जोधपुर के अधीन करवाए गए, जो 77 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता की गई, उसमें पूर्ण रूप से दोषी मानते हुए राजकीय सेवा नियमों के अंतर्गत उन्हें तत्काल 16 CCA के अंतर्गत नोटिस देने, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु प्रशासनिक विभाग को लिखा गया। मगर भ्रष्ट अधिशासी अभियंता के द्वारा प्रशासनिक विभाग में अपने प्रभाव से संपूर्ण जांच प्रतिवेदन को रोकाया और
आज तक वो बसता रहा है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरी अनुरोध है कि जोधपुर जिले के अंदर जल स्वावलंबन को लेकर जिस तरह से 77 लाख का गपला हुआ है, तो ये माना जाए कि राजस्थान में कितने गपले जल स्वावलंबन को लेकर हुए होंगे, क्योंकि जल संसाधन विभाग के अंदर जो बेसिक शेड्यूल दर PSR जिसको कहते हैं, वो मैकेनिकल तौर पर बनाई हुई है, उसके आधार पर बनाई हुई है। जो संवेदक कार्य करते हैं जी सारणी के अनुसार, वो PSR उसी WRD की काम में लेनी चाहिए। जबकि इस तत्कालीन अधिशासी अभियंता ने अपने निजी स्वार्थ के अंदर, बड़े दुखी बात है, निजी स्वार्थ के अंदर जिला ग्रामीण BSR की 200% अधिक दरों की BSR पे ये जो कार्य ठेकेदार से करवाया गया, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ, उसकी जांच हुई, जांच में उसको दोषी माना गया, फिर भी इस अधिकारी को बचाया जा रहा है। मैंने कई जनप्रतिनिधियों से विधानसभा में इस मामले को उठाने का आग्रह किया गया, मगर कई जनप्रतिनिधियों ने मेरी हाँ कहा, मगर विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। तो मैंने मजबूरन होकर दिनांक 3/7/2019 को विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने उनसे ये पूर्ण जानकारी देते हुए आग्रह किया गया कि आप कृपया इस पर पूरे प्रकरण को निजी तौर पर सुने और अपने स्वयं विवेक से प्रसंगन ले विधानसभा में इस मामले को उठाने का श्रम करावें, जिससे दोषी अधिकारी को दंडित दिलाया जा सके। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव महोदय और राज्य इलेक्शन ब्यूरो के अधिकारी इस मामले को जल्द निपटारा करें, अन्यथा मुझे मजबूरन होकर इस प्रकरण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अब देखना यह है कि इस इलाके के दबंग नेता शैतान सिंह सांकला की इस मुहिम पर न्याय होता है या फिर भूख हड़ताल पर बैठते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।